ये इस वक्त हम यहाँ पे छुट्टी भी हो चुकी है और मुझे यहाँ उन्होंने बुलाया था कैमरामैन को। यहाँ पे सारी प्रिपरेशन वगैरह चल रही हैं और मरियम बैठी है हमारे साथ। ये दे ही दे, मुझे पहले ही दे दें। थैंक यू, थैंक यू। वाह, कैमरामैन का कुछ तो फ़ायदा होता है ना, पहले ही फ्री में आपको ना चीज़ें मिल जाती हैं, शुरुआत में ही आपका फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, प्लान ये है कि भाई रेहान साहब, आपने वहाँ से चल के आना है यूँ करके इधर, अननोन, मतलब कहीं से गुम हो के खोए हुए ये शेक पीते हुए, ठीक है? तो आपने यहाँ से आके मरियम आपसे पूछेंगी कि एक्सक्यूज़ मी, आपने आना है, ठीक है रेहान साहब? आपने कहना है कि जी, आपसे ये सलाम करेंगे, आपने कहना वालेकुम सलाम, फिर क्वेश्चन करेंगी, आपने आंसर देना है, ठीक हो गया, ठीक है, समझ आ रही है? सही है। फिर मरियम ने कहना है कि स्ट्रेस आता है, तो वो सही है, समझ गया ना? तो ओवर एक्टिंग स्टार्ट करो। A few moments later. वो रिहान खड़े हो गए वहाँ पे जाके, देख रहे हैं मैं कहाँ से ओवर एक्टिंग शुरू करूँ। तो भैया वैसे नाराज नहीं होती है, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ओके, सो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाएगा, तो आप हमें बता सकते हैं कि हाउ डू यू कोप विद योर स्ट्रेस? जब आप परेशान होते हैं, आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आपकी परेशानी कम हो जाती है? स्ट्रेस में ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं किसी सुकून वाली जगह पर चला जाऊँ। सुकून वाली जगह लाइक? लाइक हिली एरियाज, मोनाल एक्सेट्रा। हाँ, सो आपको लगता है कि इससे आपकी परेशानी कम हो जाती है? मेरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है काम। वक्ती तौर पर या परमानेंटली? इस तरह की सुकून वाली जगह पे जाके मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ और ज़्यादातर लाइफ डिसीजन मैं अपनी ऐसी जगह पर जाके लेता हूँ जिधर काफ़ी बिल्कुल सुकून हो, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। हाँ हाँ, सो कभी आपने मेडिटेशन ट्राई की? नो नो। अच्छा, तो आपने जो भी हमें बताया है, तो आप विलिंग हैं कि वो आप हमें एक चार्ट पे लिख दें प्लीज़? श्योर, थैंक यू। मैम तो बाद में बाकी चीज़ें पकड़ लेते हैं। जिसे कहते हैं ना गुड हो गया जी, वो वाले वो उस लेवल की एक्टिंग की है इन्होंने। एक्टिंग ना बादशाह, कसम से बहुत तरक्की करो। गुड हो गया मतलब अभी एक्टिंग चल रही है, ठीक है? इसमें से कट करके हम उधर डालेंगे इनके प्रोजेक्ट में, बाकी सीन्स हम व्लॉग में डालेंगे। वाह वाह, ये लें आपका माइक दोबारा। अभी हम इनको स्माइली फेस वगैरह देंगे जो हमें ऑलरेडी पहले मिल चुका था। ये लें, ये लें, ये लें, ये पकड़ लें। यस, सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। वेलकम। हो गया, हो गया, पीस और विक्ट्री। आवाज आएगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज आ रही है? क्या कट से करो, मैं कट कर दूं। सही है, सही है, करीब ले आ गए ना, इतना कट कीजिए। फिर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना था जी। जी, कि हाउ डू यू कोप विद योर स्ट्रेस? क्या करते हैं आप जब आपको स्ट्रेस होता है? जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तो मेरे लिए सबसे सही फिर सो जाना होता है। जब मैं नींद पूरी करता हूँ तो जब मैं वापस जागता हूँ तो स्ट्रेस सब कुछ ख़त्म हो जाता है। योर पार्टिसिपेशन और ये आपके लिए। थैंक यू। माइक नीचे रखा है, वो बोल आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, शायद इसकी वजह से। जल्दी जल्दी जल्दी।
थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. यू वेलकम. और ये आपके लिए. थैंक यू. अच्छा जी, क्लास ले ली है अभी और शूट भी कर लिया है, तो अभी हम मैं और रिहान जा रहे हैं वापस. क्लास है, क्लास के बाद फिर घर चला जाऊंगा. तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं. आज यहां पर डी एंड कर रहे हैं. हां, डी एंड कर रहे हैं. रिहान बोल दे कि अल्लाह हाफिज़. यार अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय. अच्छा, और टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़. हाउ डू यू कोप विद योर स्ट्रेस? स्ट्रेस में गो विद फ्रेंड्स एंड लिसन म्यूजिक. हाँ, तो आपको लगता है कि ऐसे आपकी परेशानी कम हो जाती है?